हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग ना शाम का खाना वगैरह जो है ना वो बाहर खाएंगे, और फिर हमें खाना खाना है या पिज़्ज़ा, ये कुछ खास डिसाइड नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग ना ये हो गया था कि हम लोग कुछ गाड़ी में थे और अम्मी जैन और हुसैन जो थे वो बाइक पर थे। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि अच्छा आप आगे आगे चलो, हम ना साथ में आ रहे हैं। तो हम लोग पहुँच गए थे कोट छुट्टे। तब हमने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ पर हो? उन्होंने कहा कि हम लोग शनवारी पर हैं, आप लोग वापस आ जाओ, हम वहाँ पे खाना खाएंगे। तो हम लोग कोट छुट्टे से होकर वापस आ गए थे। हमने उन्हें बोला था कि आप लोग आ जाओ, यहीं पे पिज़्ज़ा खा लेते हैं, लेकिन उन सबको भूख लगी थी और उनका प्लान था कि उन्होंने ना फुल डिनर करना है। तो हम लोग वहाँ वापस आ गए थे शनवारी पे। और यह है जी लाइट्स हमारी शनवारी की। और सामने वाला जो हाल है ना वो है जी मर्दों के लिए हाल होता है वो, और जो पीछे वाला है ना वहाँ पर है जी फैमिली हाल। तो हम यहाँ से मुड़कर जाएंगे पीछे फैमिली हाल में खाना खाने, जहाँ पर जैन, अम्मी और हुसैन हमारा वेट कर रहे हैं। वो काफ़ी टाइम पहले पहुँच गए थे और हम लोग गए थे कोर्ट छुट्टे। उन्होंने कहा जल्दी से आओ, उसके बाद ही हमने ऑर्डर देना है। यहाँ पर पहुँच कर ना पहला काम जो मैंने किया था वो मैं ढूंढ रही थी अपने फेवरेट फ्लावर जो यहाँ पर होते हैं, पर वो इस बार नहीं थे। शायद खिज़ा का सीज़न है इसलिए ना वो ख़त्म हो गए थे। लास्ट टाइम ना वीडियो में मैंने आपको दिखाया था और वहाँ पर अम्मी लोग खा रहे थे ये पॉपकॉर्न। तो कैरमल वाले मैंने आपको पहले भी बताया वहीं अच्छे होते हैं। तो ये न्यू फ्लेवर हमने टॉफ़ी वाला भी ट्राई किया था, ये भी कुछ खास नहीं था। उसके बाद जी जैन बैठा हुआ था फजूल, तो उसने कहा कि मैं दूंगा रिव्यू। सबसे पहले आप ये तो चेक करें, मलाई बॉडी मंगवाई पूरा पास में मैं ट्राई किया कुछ आपके लिए कुछ पूरा पास में पीछे वाला ये जो सही बर्थडे में कितनी बने हैं या या शर्मा जी या ये बड़े ना दिन पूरे टाइम बढ़ते हैं दूसरे प्रोडक्ट। थैंक यू ब्लैक पेपर, इट्स वेरी कॉमन इन एवरी होम। Let's try this. Don't try this at home. Loud ki bole thoda. Don't try this at home. Ye dekho mere ko. Ye sari milawat hai. Kis cheez ki sir, kis cheez ki milawat hai isme? Yaar hindi jo mai chakiya tha. Asa ghar ke pani padne aise. Sardi ho, garmi chanda ami wal ghar. Maam ji ki sabadi pe. Pehle ki de rahe hain sir. Baaki asa hai namak. Ye to pakka us Pakistan jaame sasta hi hai. Pehli shabak na sasti hai. Woo! Ye cheez aata liya hai. Agar na char singi de 1760 rupaye maam. हम ना अभी तक इंतज़ार कर रहे थे अपने खाने का। और यहाँ पर अम्मी ने ट्राई किया था DIY फ्लावर, मोस्टली वीडियोस में भी होता है। तो हमने ना कुछ इस तरीके से ग्लास के अंदर इस फ्लावर को ट्राई किया था। तो ये टिशू से बनाया था अम्मी ने, और ये ना इतना प्यारा बन के आ गया था। और ये बहुत ही इजी था, बस आपने ऐसे टिशू को ना ऐसे ऐसे प्लेस करते जाना है। आप देख लो कि किस डायरेक्शन में रखना है। अम्मी ये बना रही थी तो मैंने फिर उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, और ये इतना प्यारा बन के आया था। फिर दूसरी बार ना हमने ज़्यादा टिशू से बनाया था तो वो भी बहुत प्यारा बन के आया था। बाद में हमारा खाना आना स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले आया था हमारा सैलड, और सैलड का ये होता है कि जब सैलड पहले आ जाए ना तो हम उसे ख़त्म कर जाते हैं, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने खोला इनका मेन्यू कार्ड और मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। यहाँ का खाना बहुत ही मज़ेदार होता है, और यहाँ की प्राइसेस भी इतनी कोई ज़्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल सी रेंज में है। और हमारे एरिया में अगर कोई ऐसा रेस्टोरेंट है ना तो फिर इसके ना ये बेस्ट रहता है, बहुत मज़े का खाना होता है। मैं तो हमेशा वही चीज़ें मंगाती हूँ जो मैं हमेशा खाती हूँ, रेशमी कबाब, राइस, यही मुझे अच्छी लगती है। और जैन ने इस बार मंगाई थी मज़ेदार सी शाही दाल, राइस तो वैसे ही थे, और हुसैन ने मंगाया था अपने लिए ये मटन रोश। मटन रोश ना मुझे कुछ इतना पसंद नहीं है खास, और कोक ना मेरी फेवरेट है। और यहाँ पर मैंने कोक पी थी, उसके बाद ना मैंने उस दिन के बाद बहुत कम ही कोक पिया है, वो मैं आपको बताऊँगी कि क्यों। लास्ट में मैंने शाही दाल ट्राई की थी, तो इनका ये न्यू आइटम था जो मैंने ट्राई किया था। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, इसके अंदर ना अंडे थे और साथ में इसके अंदर चिकन था, माश वाली दाल थी, बहुत अच्छे लग रहा था। फिर क्योंकि जैन ने बाइक चलानी है तो अब्बास और जैन ना कोट एक्सचेंज कर रहे थे। ओके जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने प्यारों से शेयर कर देना, नीचे कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।